संबल के चंदोसी में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश प्रेमी के नेतृत्व में किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के अवसर पर आवास विकास चंदोसी स्थित चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा पर माल्या अर्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की गई तथा किसान चेतना दिवस के रूप में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वक्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को किसानों का मसीहा बताते हुए कहा कि उन्होंने पूरे जीवन देश के किसानों की खुशहाली तथा विकास के लिए संघर्ष किया। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश प्रेमी ने संबोधित करते हुए कहा कि चौधरी चरण सिंह जी ने देश के किसानों का सामाजिक राजनीतिक तथा आर्थिक विकास का रास्ता प्रशस्त किया। उन्होंने जीवन भर जिन राजनीतिक मूल्यों के लिए लड़ाई लड़ी आज उन्हीं की सार्थकता है कि देश में जब 3 कृषि काले कानून लागू किए जा रहे थे तो उनकी नीतियों पर चलकर देश के किसानों ने देश के हर धर्मी प्रधानमंत्री तथा किसान विरोधी सरकार को काले कृषि कानून वापस लाने को मजबूर कर दिया तथा कृषि कानून वापसी किसानों की बड़ी जीत हुई। आज पूरा देश पूर्व प्रधानमंत्री किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी की जयंती मना रहा है, उसी परिप्रेक्ष्य में हमने भी समाजवादी पार्टी की ओर से तमाम साथियों के साथ में चौधरी चरण सिंह साहब को माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित कर जयंती मनाने का काम किया है और ये संकल्प भी लिया है कि हम जिन नीतियों के लिए जिन उसूलों के लिए चौधरी चरण सिंह जी ने पूरे जीवन संघर्ष किया किसानों के हित में, उन्हीं किसानों के लिए, इस देश के संविधान के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए, क्यों लोकतंत्र जिंदा रहेगा, संविधान जिंदा रहेगा तो किसान को उसका हक भी मिल पाएगा। जिन सिद्धांतों के लिए चौधरी चरण सिंह साहब ने पूरी जिंदगी संघर्ष किया उन्हीं के तहत आज हमने संकल्प लिया है कि देश में और प्रदेश में सांप्रदायिक ताकतें स्थापित हो गई हैं जो किसानों की मजदूरों की विरोधी हैं और लगातार किसानों का शोषण इन सरकारों में हो रहा है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने काम करेंगे, किसानों की मजदूरों की गरीबों की अगड़ों की पिछड़ों की अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार लाने का काम उत्तर प्रदेश में करेंगे। ये संकल्प भी हमने लिया है आज यहाँ पर।